चाहे आप एक प्रो राइडर हो या फिर एक बिगिनर राइडर हो, सेफ्टी फीचर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इसी वजह से 150 सीसी और इससे ऊपर की बाइक्स में एबीएस कंपलसरी है काफी टाइम से। स्टार्टिंग में जब एबीएस मैंडेटरी हुआ था उस टाइम पे काफी बाइक्स में सिंगल चैनल एबीएस आ गया था, लेकिन अब मार्केट में ड्यूअल चैनल एबीएस वाली बाइक्स भी काफी आ चुकी हैं। स्मॉल सेगमेंट में भी आपको काफी बाइक्स में ड्यूअल चैनल एबीएस मिल जाएगा, जो काफी अच्छा सेफ्टी फीचर है। बाइक में एबीएस होने की वजह से काफी एक्सीडेंट बच जाते हैं और एबीएस ऐसा फीचर है जो आपकी जान भी बचा सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बाइक्स के बारे में जिनके अंदर आपको ड्यूअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। मार्केट में ऐसी अफोर्डेबल बाइक्स कौन सी हैं जिनके अंदर आपको ड्यूअल चैनल एबीएस मिलेगा। 150 सीसी और इससे ऊपर की बाइक्स में सिंगल चैनल एबीएस तो मैंडेटरी है, लेकिन 150 सीसी और इससे ऊपर की ऐसी कौन सी बाइक्स हैं जिनके अंदर आपको ड्यूअल चैनल ईवीएस मिलेगा, उन सब बाइक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो इस लिस्ट में टोटल 6 बाइक्स हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं N160 से। N160 मार्केट में सबसे पहली 160 सीसी ड्यूअल चैनल ईवीएस वाली बाइक थी। बजाज ने सबसे पहले इस बाइक में ड्यूअल चैनल ईवीएस प्रोवाइड किया था और इसका जो ड्यूअल चैनल ईवीएस वाला वेरियंट है उसका एक्शोरूम प्राइस 1,30,000 है और इसका ऑन रोड प्राइस आपको दिल्ली में 1,50,000 रुपए से लेके 1,55,000 रुपए के आसपास मिलेगा। इसमें सिंगल चैनल ईवीएस का भी ऑप्शन है जिसका प्राइस इससे 7,000 रुपए कम है। सो अगर आप एक बिगनर राइडर हो तो बजाज की पल्सर N160 आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगी। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ईवीएस मिल जाएगा। 164.82 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है इस बाइक में, जिसकी पावर 16 पीएस है, 14.65 Nm का टॉर्क है और बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स है। सेगमेंट में इसकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है और सिटी में राइड करने के लिए, लॉन्ग हाईवे राइड करने के लिए ये बाइक आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। हाईवे पे इसकी क्रूजिंग स्पीड आपको 80-90 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही मिलेगी और माइलेज इसमें आपको 45-50 kmpl के आसपास की मिलेगी। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके फ्रंट लुक्स काफी अच्छे हैं। ट्रांसफॉर्मर टाइप का इसमें फ्रंट लुक है जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है। डे टाइम रनिंग एलईडी डीआरएल्स भी हैं। एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। एलईडी टेलाइट का डिजाइन काफी अच्छा है और स्प्लिट टाइप के इसके अंदर ग्रैब रेल्स हैं। बाइक में स्प्लिट टाइप की सीट है जो पिलियन के लिए काफी कंफर्टेबल है। सो मार्केट में ड्यूअल चैनल ईवीएस वाली सबसे सस्ती बाइक है बजाज की पल्सर N160 और इसके बाद आती है बजाज की पल्सर NS160 जो रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है और उसमें ड्यूअल चैनल ईवीएस के साथ साथ अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स भी आ गए हैं। सो NS160 में भी आपको ड्यूअल चैनल ईवीएस मिल जाएगा और इसका एक्शोरूम प्राइस है 1,34,700, 1,34,700 रुपए और इसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,56,000 से लेके 1,60,000 के आसपास मिलेगा। साथ ही इस बाइक में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स भी हैं और इसका डिजाइन और स्टाइल NS200 के जैसा ही है। बाइक में स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं जो पिलियन के लिए भी काफी कंफर्टेबल हैं, लेकिन इसके अंदर आपको एलईडी हेडलाइट नहीं मिलेगी। बाइक में हेलोजन टाइप की हेडलाइट है। एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर फीचर्स अपग्रेड कर दिए गए हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आ गया है। रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी भी आ गई है और ट्रिप मीटर भी आ गया है। सेगमेंट में इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। 160.3 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है इस बाइक में, जिसकी पावर 17.2 पीएस है, 14.6 Nm का टॉर्क है और 5 स्पीड गियरबॉक्स है। इसमें भी आपको 45 kmpl के आसपास की माइलेज मिलेगी और अगर आप एक बिगनर राइडर हो तो NS160 भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगी। इसमें भी आपको ड्यूअल चैनल ईवीएस मिल जाएगा। नेक्स्ट बाइक है टीवीएस की अपाचे आरटीआर 204V। 200 सीसी सेगमेंट में टीवीएस की अपाचे आरटीआर 204V सबसे सस्ती ड्यूअल चैनल ईवीएस वाली मशीन है, क्योंकि इसका जो ड्यूअल चैनल ईवीएस वाला वेरिएंट है उसका एक्शोरूम प्राइस है 1,45,000 और इसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,70,000 के आसपास मिलेगा। आरटीआर 204V में एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर, राइडिंग मोड्स, असिस्टेंट स्लीपर क्लच, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स, नेविगेशन सिस्टम फीचर, ये सभी फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। सेगमेंट में ये बाइक सबसे ज्यादा फुली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है। इसके अंदर फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है। साथ ही इसके अंदर आपको एडजस्टेबल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स भी मिल जाएंगे जो इसके टॉप वेरिएंट के अंदर है। 197.75 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है इस बाइक में, जिसकी पावर 20.82 पीएस है, 17.25 Nm का टॉर्क है और 5 स्पीड गियरबॉक्स है। इसके अंदर आपको माइलेज 35-40 kmpl के आसपास की मिलेगी। बाइक में स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं, स्प्लिट टाइप के ही ग्रैब रेल्स हैं। पिलियन सीट इसकी भी काफी कंफर्टेबल है और अगर आपको 200 सीसी सेगमेंट में ड्यूअल चैनल ईवीएस वाली कोई भी बाइक परचेज करनी है तो आप आरटीआर 204V को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 200 सीसी सेगमेंट में ये बाइक सबसे सस्ती है जिसमें आपको ड्यूअल चैनल ईवीएस मिल जाएगा। नेक्स्ट बाइक है यामा की FZ25। यामा की FZ25 एक नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की मशीन है जिसके ओवरऑल लुक्स काफी अच्छे हैं और इसमें भी आपको ड्यूअल चैनल ईवीएस मिल जाएगा।
इस बाइक में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ईबीएस है, सिंगल चैनल ईबीएस का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है और इसका एक शोरूम प्राइस है 1,50,000 रुपए और दिल्ली में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको 1,80,000 रुपए के आसपास मिलेगा। सेगमेंट में इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन और पिकअप काफी अच्छा है और इसकी मिड एंड परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन बाइक का टॉप एंड उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसके अंदर 6-speed गियरबॉक्स नहीं है। 249 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है इस बाइक में जिसकी पावर 21 PS है, 20 Nm का टॉर्क है और 5-speed गियरबॉक्स है। बाइक में काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल जाएंगे, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है, कॉम्पैक्ट साइज का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और इसमें स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं, स्प्लिट टाइप के ही ग्रैब रेल्स हैं और पिलियन के लिए इसकी भी सीट काफी कंफर्टेबल है। सो अगर आपको 250 सीसी की बाइक लेनी है जिसमें आपको ड्यूअल चैनल ईबीएस मिल जाए तो फिर आप यामा की FZ25 के साथ भी जा सकते हो। FZ25 में आपको 35 की MPL के आसपास की माइलेज मिलेगी। सेगमेंट में इसकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है लेकिन बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है इसके इंजन रिफाइनमेंट और इंजन रिलायबिलिटी। नेक्स्ट बाइक है बजाज की पल्सर NS200 जो रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई थी। NS200 के अंदर भी ड्यूअल चैनल ईबीएस आ गया है और उसके साथ में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स भी आ गए हैं, लेकिन पहले इसके अंदर स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ईबीएस आता था, अब बाइक में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ईबीएस आ गया है जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,47,400 और इसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,70,000 के आसपास मिलेगा। ड्यूअल चैनल ईबीएस के साथ साथ बाइक में फ्रंट में बड़ी डिस्क ब्रेक आ गई है, 300 mm की अब इसमें डिस्क ब्रेक आ गई है फ्रंट में और 230 mm की रियर में डिस्क ब्रेक है। बाइक का ओवरऑल ब्रेकिंग सिस्टम पहले से काफी अच्छा हो गया है। 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड 6-speed गियरबॉक्स वाला इसके अंदर इंजन है जिसकी सेगमेंट में परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। 24.5 PS की इसकी पावर है, 18.74 Nm का टॉर्क है। सेगमेंट में इसका इनिशियल एक्सेलरेशन, पिकअप, मिड एंड परफॉर्मेंस, टॉप एंड परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। इसकी टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको पहले से भी ज्यादा अच्छी मिलेगी। NS200 के अंदर आपको 35-40 KMPL के आसपास की माइलेज मिलेगी। सो अगर आपको एक ऐसी बाइक परचेज करनी है जिसके अंदर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाए, 6-speed गियरबॉक्स मिल जाए और साथ में ड्यूअल चैनल ईबीएस भी हो तो फिर आप NS200 के साथ भी जा सकते हो जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,70,000 के आसपास मिलेगा। और इस लिस्ट की लास्ट बाइक है बजाज की पल्सर N250। पल्सर N250 भी एक काफी अच्छी नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की मशीन है और इसका जो ड्यूअल चैनल ईबीएस वाला वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस है 1,50,000 और इसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,80,000 के आसपास मिलेगा। इसमें सिंगल चैनल ईबीएस का भी ऑप्शन है और ड्यूअल चैनल ईबीएस का भी ऑप्शन है। 300 mm की इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, 230 mm की रियर में डिस्क ब्रेक है और इसका भी ओवरऑल ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छा है। इसके अंदर भी आपको 35 KMPL के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक में 249 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है जिसकी पावर 24.5 PS है, 21.5 Nm का टॉर्क है और 5-speed गियरबॉक्स है। इसकी फुल टैंक कैपेसिटी सेगमेंट में काफी अच्छी है जो है 14 liters की और इसके भी फ्रंट लुक्स काफी अच्छे हैं, ट्रांसफॉर्मर टाइप का फ्रंट लुक है। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट इसके अंदर आपको मिल जाएगी विद डे टाइम रनिंग LED DRLs, एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और इस बाइक में आपको LED इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन इस बाइक के अंदर आपको 5-speed गियरबॉक्स मिलेगा, 6 gear नहीं मिलेगा। लेकिन सेगमेंट में इसकी भी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन और मिड एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इसका टॉप एंड उतना अच्छा नहीं है लेकिन ड्यूअल चैनल ईबीएस होने की वजह से इसका ओवरऑल ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छा है। सो अगर आपको मार्केट में 250 सीसी की ड्यूअल चैनल ईबीएस वाली बाइक परचेज करनी है तो फिर आप पल्सर N250 के साथ भी जा सकते हो और यामा की FZ25 के साथ भी जा सकते हो। और अगर आपको एक 200cc सेगमेंट की 6-speed गियरबॉक्स वाली लिक्विड कूल्ड इंजन वाली बाइक लेनी है जिसमें ड्यूअल चैनल ईबीएस हो तो फिर मार्केट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है NS200। लेकिन अगर आपको सबसे बेस्ट फीचर्स वाली 200cc की बाइक चाहिए जिसमें आपको ड्यूअल चैनल ईबीएस मिल जाए तो फिर TVS की अपाचे RTR 204 भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और 160cc सेगमेंट में मार्केट में सबसे बेस्ट ऑप्शन जिनके अंदर आपको ड्यूअल चैनल EBS मिलेगा वो है NS160 और N160। सो दोस्तों ये थी वो टॉप 6 अफोर्डेबल बाइक्स जिनके अंदर आपको ड्यूअल चैनल EBS मिल जाएगा। इन सभी बाइक्स का एक्चुअल प्राइस 1,50,000 रुपए के अंदर है। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।